असलम। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं ईद की शॉपिंग करने, ईद के कपड़े लेने। मैंने लेने आपके लिए भी देखूंगी गर्मियों के लिहाज से, लोन के पीसीस वगैरह, और साथ में कुछ चीज़ें हैं ये मैंने साथ में मैचिंग के लिए चीज़ें रख ली हैं। और बस अभी चलते हैं, फिर घर आके आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या लिया, कैसे कपड़े लिए। और यहाँ पे अनाया भी बिल्कुल रेडी है। रेडी हो? चले मिनाहिल जाएँ। तो चलो चलते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता अभी, क्या नहीं मिलता, वहाँ पर जाके मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी कपड़े बाहर लगे मैंने सब कम प्राइसेस में होते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में होते हैं। आपको हर तरह का मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। तो अपनी शॉपिंग करने के लिए और अपने हस्बैंड की शॉपिंग करने के लिए मैं आ गई थी अलकरम जो कि है सादकाबाद में। तो वहाँ से मैंने अपने ड्रेसेस लिए, साथ में अपने हस्बैंड के ड्रेसेस लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और मैंने बच्चों के जो ड्रेसेस लिए थे वो मैं आपको आगे जाकर शेयर करूँगी, क्योंकि उसका मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया। और वापसी भी आते हुए क्योंकि रावण रोड से हम लोग आ रहे थे और संडे का दिन था, तो आपको पता है कि मैं फ्रूट्स वगैरह की शॉपिंग करती हूँ। तो वापसी भी आते हुए फिर हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ले लिए। तो आम तो मैं अभी तक खा चुकी हूँ, लेकिन जो आलू बुखारा है वो मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी, कि मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आया। वैसे मैं भाई की हर तरफ खा चुकी हूँ। और नया जो फ्रूट होता है ना, उसकी अलग एक्साइटमेंट होती है जब वो आता है। तो आप उसे होता है कि पता नहीं कितने अर्से बाद खा रहे हो, क्योंकि जाहिर से बात है 5-6 महीने के बाद जाके वो, क्योंकि कुछ फ्रूट गर्मियों के होते हैं, कुछ सर्दियों के होते हैं, तो वो जब आपको मिलते हैं तो ऐसे होते हो जैसे कभी ज़िंदगी में खाया ही नहीं आपने। तो खैर यहाँ पे जो मैंगोज वगैरह थे सबको मैं बाहर निकाल दिया। अब मैं इनको ना साथ ही वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ठंडे होंगे के बाद ही इनको खाने का मजा आएगी। तो चले मैं आप शेयर करती हूँ आपके साथ जो जो चीज़ें मैंने ली थी। तकरीबन 2-3 दिन की शॉपिंग थी मेरी और अभी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी रहती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने दी हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले ना, शादी से पहले की बात है कि ना, मैं बहुत ज़्यादा ना यूज़ करती थी एलोवेरा और रोज़ वाटर ना, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अब आजकल इतनी गर्मी हुई है, मॉइस्चराइजर मेरे पास पड़े हुए, लेकिन जैसे मैं फेस पर अप्लाई करती हूँ, मेरी स्किन थोड़ी ना ऑयली है, तो मैं जैसे अप्लाई करती हूँ मेरे ना स्किन पर एक्नी शुरू हो जाती है। तो फिर पहले मैंने बहुत सोचा कि क्यों हो रही है, मैं तो अपनी स्किन केयर इतनी अच्छी रूटीन फॉलो कर रही हूँ, इतने अच्छे सब कुछ कर रही हूँ, तो ना फिर मुझे समझ आया अच्छा मैं ये मॉइस्चराइजर जो है वो लगा रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो थोड़ा ऑयली मॉइस्चराइजर है। तो फिर मैंने ना ये एलोवेरा जेल वापस से मैंने कहा स्टार्ट करती हूँ, लाइट स्किन केयर रूटीन रखते हैं कि जिससे माई स्किन को कोई इफेक्ट भी ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, माई स्किन को सांस नहीं आ पाती। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे सईद गनी का ना एलोवेरा जेल लिया है, और ये सही अच्छे से सील पैक था, ये मुझे 350 रुपीज़ का मिला था, साथ में मैंने रोज़ वाटर ले लिया। अच्छा सिंपली मैं अब क्या करती हूँ, आपके साथ थोड़ी सी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। मैं ना मॉर्निंग में फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैं ना फेस के ऊपर ना आइसिंग करती हूँ। आइसिंग करने के बाद वो हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा देर नहीं आपने करनी, बहुत हुआ तो 3-4 मिनट्स करनी या 5 मिनट्स में पूरे मत करनी, ठीक है। उसके बाद यह है कि मैं तो जैसे स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रोज़ वाटर अपना स्प्रे कर देती हूँ, वो ड्राई होता है तो मैं ऊपर ना एलोवेरा जेल लगा देती हूँ। तो इससे ना स्किन जो होती है ना आपकी बहुत अच्छी रहती है, और ना आपको जैसे गर्मी है आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ कर सकते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि एकदम मेरी स्किन पर पिंपल निकल आते हैं, तो मैं यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छी स्किन हेल्दी होती है। और हाँ सन ब्लॉक मैं लगाती हूँ लाजमी, और बाहर जाते हुए तो लाजमी मैं लगाती हूँ। सन ब्लॉक मैं डर्मा शाइन का यूज़ करती हूँ, और वो मेरा ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद मैं सनस्क्रीन लूँगी, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से आप सनस्क्रीन यूज़ करें अगर आप लोगों की मेरी तरह स्किन ड्राई है तो। अच्छा उसके बाद जो मेरे पास मैंने लिया था ब्लैक मास्क जो कि चारकोल मास्क होता है नोज़ के लिए मेरी, क्योंकि मेरी स्किन मैंने जैसा बताया कि ऑयली है, तो मेरे ना नोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है ना, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो खैर उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया था रोल ऑन लिया था, और यहाँ पर 2 मैंने लिप लाइनर लिए थे, और एक ही मैंने काजल लिया था। काजल बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मी है, किसी और तरह का अगर आप काजल लगा लो तो वो बिल्कुल एकदम बाहर आ जाता है, सारा फैल जाता है, ब्लैक राइज कर देता है, तो ये 150 का था, बहुत अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लोरमा और हुदा ब्यूटी का ना ये मैंने लिप लाइनर लिया था, इसके नंबर भी मैंने आपको शो कर दिए हैं, और ये इतने प्यारे हैं। अच्छा मैं इसको यूज़ ऐसे करती हूँ कि डार्क पिंक जो शेड है ना, इसकी मैं आउटलाइन लगाती हूँ लिप्स पे, और अंदर मैं ये लाइट वाला लगा देती हूँ, इतना प्यारा शेड आता है ना। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेस आपके साथ शेयर करूँ, इस दफ़ा मैंने कोई फॉर्मल नहीं रखे, मैंने कैजुअल ड्रेसेस रखे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और रावलपिंडी में 45 डिग्री होने वाला मंडे वाले दिन जो है जब हमारे इधर ईद होगी, तो यह कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ पे जी फर्स्ट जो मैंने आपको ड्रेस दिखाया है ना वो अनस्टिच है। अच्छा तीनों ड्रेस जो है वो अनस्टिच है, मैं घर पर खुद सिलाई करूँगी अच्छे से डिजाइनिंग के साथ। तो फर्स्ट वाला जो आपको दिखाया वो शर्ट थी, ये जो है ये 3 पीस है।
अच्छा ये फुल सूट है और ना इसके ट्राउजर और उसकी शर्ट दोनों सेम कपड़े में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट मैंने ये अलक्रम से लिया था और दूसरा वाला जो सूट था ना वो मैंने बाजार से लिया था। तो ये वाला जो है ये 3 पीस है और ये इसका ट्राउजर अलग है और शर्ट अलग है। मैंने बहुत मज़े मज़े के इनके डिज़ाइन सोचे हुए हैं और बड़े मज़े मज़े के मैं इन पर ड्रेस डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। उस पर मैं वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी समर पर आप कैसे किसी भी नॉर्मल सूट को 2 पीस 3 पीस सूट को आप कैसे फॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे बच्चों के ड्रेसेस और ये सब जो ड्रेसेस है वो मैंने सब बाजार से लिए थे और एक ही दफ़ा मैंने सारे ले लिए थे। अच्छा तो सबसे पहले तो ईद के फर्स्ट डे के ड्रेसेस थे, ये मिनाहिल और नायका मैंने सेम लिया था ये रैम्पर से, और मिनाहिल के पास है लेकिन नायका के पास से था, तो ये जो मैंने देखा तो मैंने कहा नाया के पास नहीं है, फिर मैंने साथ ही देखा मैंने कहा चलो मिनाहिल के भी ले लेते दोनों सिस्टर्स ना, मतलब बहुत प्यारी सी क्यूट सी, मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं इनको ना सेम सेम ड्रेसिंग करवाऊँ। तो मैंने पिंक और ब्लू इस तरह मैंने वो ले लिया था। उसके बाद जो मैंने अभी आपको शर्ट दिखाई है वो मिनाहिल की थी, ये जो स्कर्ट में दिखाया था ये नाया का है, ये जो शर्ट दिखा रही हूँ ये भी मिनाहिल की, और इसके बाद ये जो था ना ये नाया का था। अच्छा ये ऐसे 3 पीस था, इसकी मज़े की बात यह कि आगे सर्दियों में भी यूज़ हो सकता है, और इसकी जैकेट बहुत मज़े की थी कि आप इसको इस ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो, इसके अलावा मैं इसको वैसे भी ड्रेस मतलब कि वेयर करवा सकती हूँ बच्चों को। अब बस मैंने लेने हैं मिनाहिल के 2 टाइट्स लेने हैं, तो उसके बाद इनके जो भी पेयर्स हैं ना ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने इनको हैंग कर दिया था, और मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ ना उसको इतने टाइम तक मैं रखी रखती हूँ जब तक मैं वीडियो नहीं बना लेती कि भाई सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद मैं उसको फिर ना हैंग करके उसको अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो हम लोग अपने भाई की तरफ आए हुए थे, मैंने अपने आप को लिया को मुझे काम मुझे लेके चलो मैंने ड्रेसेस वगैरह लेनी है क्योंकि थोड़ी सी ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, तो बस हम लोग वहीं पे आए हुए थे और थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। आजकल झक्कर वाली भी आ रही है ना, ले चुकी हूँ लंच बॉक्स, अब लेनी है पानी की बोतल, अब वो देखूंगी ईद के बाद। वो जो सामने पड़ी हुई है मेरे पास बिल्कुल नहीं है ये, वो सामने हाँ ये पानी की बोतल कितने की है, ये जो पड़ी हुई है ये सारी। अच्छा मैं देखती हूँ, ये कितने के कुछ मेरे इतने प्यारे लगते तो। तो इस शॉप से मैंने कुछ भी नहीं लिया और ना ही मैंने कुछ लेना था, बस मैं तो बस आई मीन विंडो शॉपिंग करने गई थी, और वो मतलब दिल इतना करता ना कि ये चीज़ भी ले लो ये चीज़ भी ले लो, बेशक वो चाहिए या नहीं चाहिए, फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के मैंने कहा नहीं आसमान निकलो फजूल खर्ची है, कुछ भी मैंने नहीं लेना यहाँ से। तो भाई यहाँ से फिर गया कि थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ तो शेयर कर सकती हूँ ना, थोड़ा आप लोग भी इन्जॉय कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पर मुख्तलिफ रेट्स पे थे, ठीक है, इनकी कोई सिलेक्टिव रेट नहीं है। उसके बाद जो ये सब चीज़ें मैं ले आई थी, जो लेसेस वगैरह लाई थी सब चीज़ें ले आई थी, बहुत से आइडियाज़ मेरे माइंड थे, और ये जितनी भी आप लेसेस देख रहे हैं ना तकरीबन ये सब मतलब क्या है, 3 किस्म की लेसेस हैं, बाकी नलकी हैं और एक वो है पैच है, और ये मुझे 1000 रुपीज़ में पड़ी थी और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतनी ज़्यादा महंगाई। और ये आजकल हर किसी का रोना क्योंकि ये बात सच है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद शाम का टाइम था, मेरे हस्बैंड फिर ये बर्गर्स वगैरह ले आए थे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यह कि फिर हम लोगों ने ये मतलब इन्जॉय वगैरह किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसकी एकदम कॉल आई मैं आ रही हूँ, मैंने कहा जो एक पार्टी तो कर दो यार, एक पार्टी तो कर दे, पार्टी कर दो उम्मा। तो ये हमने मेरी फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी मेरी, और हम लोग इतने से बाद मिले, मैंने 2016 में मैट्रिक किया था, तो उस दिन से लेकर आज मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो मेरे उससे कोई बात नहीं थी, तो आते हुए बच्चों के लिए सब चीज़ें लेके आई थी, बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा, लेकिन बहुत मतलब शॉर्ट था टाइम, वो बस उसे जल्दी जल्दी में सजाना था, पहले तो उसे मेरे घर नहीं मिल रहा था, तो यह कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और अपने आप को फ्रेंड्स के साथ कितना मज़ा आता है, और आप उनके साथ अगर बैठो तो टाइम का पता नहीं चलता। तो हम दोबारा इंशाल्लाह अरेंज करेंगे कि हम सब फ्रेंड्स मिल के एक दफ़ा दोबारा से हमारी अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड करें। तो खैर ये मेरा व्लॉग यहीं तक था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।